कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम मैथ्स की वीडियो पढ़ेंगे। मैथ्स की वीडियो में हम आज छूटी हुई संख्या को पूरा करना सीखेंगे। जैसे कि आपने पीछे पैटर्न बनाना सीखा था ना, उसी तरह ये छूटी हुई संख्या को आगे की तरफ पूरा करके लिखना है। ओके, कर दिया। एक मिनट, छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। अब इस ये संख्या पैटर्न देखो और छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। अब पैटर्न देखेंगे क्या है। पहले क्या है, 100, 200, 300। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 400। ये 100 के पैटर्न में आ रहा है ना, तो 400, उसके बाद 500, उसके बाद 600, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 700। दूसरा 900, 800, 700। तो 100 घटते हुए जा रहा है, तो 700 से कम हो जाएगा 100, तो आ जाएगा 600, 500, 400 और 300। 50, 100, 150, 200। ये 50 की संख्या में बढ़ते हुए जा रहा है, तो हम 200 के बाद आ जाएगा हमारा 250, 300, 350, 400। नेक्स्ट है 300, 250, 200। ये 50 के घटता हुआ जा रहा है, तो हमारा 200 में 50 घट गया तो 150, 100 और 50। यहाँ 25, 35, 45। तो आप देख रहे हैं इसमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है 10-10 की संख्या में। तो पहले हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 280, 260, 240। तो ये 20-20 की संख्या घटती हुई जा रही है, तो हम इसमें घटाते हुए लिखेंगे 280, 260, 240, तो 220, 200, 200, 20 में 200 में से 20 घट जाएगा तो 180, 160, 125, 150, 175, 200। तो इसमें 25 की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो 200 के बाद हो जाएगा 225, 225, 250, 275, फिर 200 बढ़ जाएंगे, 25 बढ़ जाएंगे तो 300। तो बच्चों, आज हमने पैटर्न को भी देखा और छूटी हुई संख्या को भी पूरा किया। तो ये हमारा हो गया आज का पैटर्न पूरा। देख लिया ना, पहले हम पैटर्न पूरा करने से पहले देखते हैं कि क्या है, कौन सी संख्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके।